वफाकी वजीर फैसल वावडा ने कहा है कि बेरहम और नाअहल लोगों को सिर्फ आसिफ जरदारी की फिक्र है। सिंध में कुत्ते के काटने के वाकयात हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी को सिंध के अवाम की कोई फिक्र नहीं। आज जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो ये बच्चे हैं, ये मासूम लोग हैं जिनको कुत्ते काट रहे हैं, और उनके लिए इंसानी हमदर्दी, पाकिस्तान को चलाने वाले सारे ठेकेदार जिसका हिस्सा मैं भी हूँ, किसी को कोई एहसास नहीं है। लेकिन अगर एहसास है सुबह दोपहर शाम, तो इंसानी हमदर्दी के तहत एक मुजरिम को मुल्क से फरार कराने का तरीके कार पे, जिसकी औलाद, ख़ानदान, एक श्योरिटी बॉन्ड, ना नवाज शरीफ साहब की बेटी, ना अश्तियारी बेटे, ना बॉन्ड देने को तैयार है, ना पैसे देने को तैयार है, और सारे के सारे भगोड़े जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ इनको भी भेजना चाहते हैं, जहाँ इनकी लूटी हुई दौलत है। सिंध में बार बार कुत्ते के काटने के वाकयात हो रहे हैं। बिलावल को चाहिए कि सिंध में आले सतह के अफसरान के खिलाफ एक्शन लें। आज एक्शन ना लिया गया तो ये वाकयात मजीद बढ़ सकते हैं। ऐसी जो हमारे अंदर आ गई है, उससे सबसे पहले तो हम एक अमीर जागीरदार या कोई तीन दफा का प्राइम मिनिस्टर, वजीर आला, मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर को जहन्नुम में डाले। ये जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, जिनका जुल्म बर्बरियत हो रहा है, एक हिस्सा आपने अभी देखा है, उससे पहले आपने एक बच्चे को अपनी माँ की गोद में बिलबिलाते हुए मरते हुए देखा, उसके बाद सरकारी एम्बुलेंस की वीडियो आपने देखी जिसके अंदर माँ मजबूर जो थी वो पैसे जमा नहीं कर सकी, जो कि फ्री की एम्बुलेंस थी, और उसके बाद वो भी दम तोड़ गया। जहाँ तक हकाई की बात है तो मेरे पास फेडरल से आए हुए मैसेज मैंने अभी फिरदौस साहब को पढ़वाया है, उसमें 1.5 लाख वैक्सीन बनाई गई थी, 618 रुपये की वो वैक्सीन थी, सिंध गवर्नमेंट ने उसमें से 2500 खरीदी है। उन्होंने कहा कि कुत्ते किसी अमीर के नहीं थे, वरना कुत्तों पर बहस शुरू हो जाती। गरीब के बच्चों को कुत्ता काट ले तो कोई सुनवाई नहीं है, हुकूमत की तरफ से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जरूरत है। सिंध के हुक्मरानों के पास कोई बेस नहीं है कि वो शक्ल भी दिखा सके, लेकिन हम फिर भी वो प्रोविजन दे रहे हैं कि आए इस मसले को हल करें, एहसास करें, इस बच्चे की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई बच्चों की, ऐसी कई माओं की, कई बेटियों की हमारी ज़िंदगी के डेली मसले चल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, सुबह सिंध में भी चल रहे हैं, तो हम उसको टेक केयर करें, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें। अगर वो ये बात खत के तहत कह रहे हैं तो मीडिया में आके क्यों नहीं 6 महीने पहले आके बताया कि जी वफाक ये गड़बड़ कर रही है, हम एक्शन लेना चाहते हैं, आप सब खड़े हो जाएंगे उनके साथ। ये सब ड्रामेबाजी बंद करें, सब यहाँ आएँ और आके इस बच्चे के तहत, बाकी इस बच्चे के वसीले के तहत सारे बच्चों के लिए, माँ बाप, बहन, बेटियाँ, बाप, सबके लिए मदद करें, कोशिश करें। वैसे ही मुश्किलात के अंदर हैं, और अगर आपने जो सवाल किया, मैं अभी भी समझता हूं कि सिंध गवर्नमेंट के पास उनका मैंडेट है, उसका एहतराम करना चाहिए, क्रिटिसाइज करने के बजाय हम उनको एहसास दिलाएं, वो ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा, और एक वर्किंग रिलेशनशिप बने, अपने ईगोज, अपनी अना परस्ती को साइड पर रखें। हमारे दोनों की लड़ाई में आवाम का मजीद नुकसान होगा, जो तबाह और बर्बाद ऑलरेडी हो चुकी है। खुदा का वास्ता एहसास करें, हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। सीएम सिंह साहब से मेरी गुजारिश है, प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, मैं उनको खुद लेने जाऊंगा, डेकोरम है कि उनको आके बैठना चाहिए, मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बॉन्ड्स नहीं देते तो दोनों बेटे शख्सी जमानत पर मुल्क में आ जाएं और नवाज शरीफ को ले जाएं। उन्होंने कहा कि 7 अरब तो नवाज शरीफ का बेटा एक दस्तखत पर दे सकता है। ये है जुल्फिकार अली भुट्टो का ख्वाब पूरा करने का तरीका इनका, इनको शर्म मगर नहीं आती, ये इतनी डिटाई के साथ अपनी चोरी को जारी रखे हुए हैं कि ना कुत्तों की काटने की वैक्सीन मिलती है अस्पतालों में। जब इतना शोर मचाया है तो अब वो कुछ ना कुछ आई है, अभी भी बहुत कम है। पहले पापा करप्शन, फिर आंटी करप्शन, और उसकी वजह से आवाम का हाल ये हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमने जो कल भी चैलेंज दिया था, आज दोबारा कहता हूँ, मुराद अली शाह साहब, कराची सिंध का सर का ताज है, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कराची का सर का ताज है। आइए, अगर आप समझते हैं कि आपने सिंध की खिदमत की है तो आए, वरना ऐसे केसेस के ऊपर आपको हमें ये बताना होगा कि कब, 12 साल में तो आप दुरुस्त नहीं कर सके, कम से कम हमारे बच्चे कुत्तों के काटने से कब महफूज होंगे ये बता दें।